हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड आयोग की। एक और नया रिजल्ट आज यहाँ पर जारी हो चुका है, तो आप लोग यहाँ पर अपना रोल नंबर वाइज और अपना नाम कट ऑफ पूरे चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज, आप लोग देख सकते हैं उत्तराखंड अधिनियम चयन आयोग ने आज यहाँ पर नवंबर 10 तारीख को यहाँ पर विज्ञप्ति जारी किया गया है। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि आयोग द्वारा कर्मशाला निदेशक शाखा 1 इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स, कर्मशाला निदेशक शाखा 2 मैकेनिकल के जो पद कोड थे यहाँ पर 12 जून 2022 को आयोजित किया गया था, उसके लिए लिखित परीक्षा के आधार पर उक्त क्रम में यहाँ पर अभिलेखित कार्यालय की रिजल्ट हो चुका है जारी, जिसके लिए 27/4 से लेके 2/5 तक जो है यहाँ पर अभिलेख सत्यापन किया गया, और उसके बाद से यहाँ पर अभिलेख सत्यापन करने के बाद फाइनल रिजल्ट हो चुका है जारी। अभ्यर्थियों के औपबंधिक सूचना यहाँ पर जारी हो चुकी है, जिसमें यहाँ पर कैंडिडेटों का चयन कर दिया गया, कहाँ कहाँ पर किन का चयन रखा हुआ लोग देखते हैं। यहाँ पर टॉप यहाँ पर 85 नंबर है, इसके 84 करके ऐसे करके नंबर इसमें यहाँ पर ओपन कैटेगरी में देखते हैं। यहाँ पर जो कर्मशाला निदेशक हैं, यहाँ प्रावधिक शिक्षा के अंतर्गत इनका चयन हो चुका है, इनके विभाग का नाम लिखा है, कहाँ कहाँ पर इनकी पोस्टिंग हो रखी है, तो पूरा पूरा आ चुका है। और दिवाली से ठीक पहले यहाँ पर जो है आयोग ने खुशखबरी दे दी है अभ्यर्थियों को, जिनका यहाँ पर चयन हो चुका है, आप लोग देखते हैं यहाँ पर, और जल्दी इनकी नियुक्ति प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी। टोटल यहाँ पर 122 कैंडिडेट हैं जिनका चयन यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। तो लास्ट कट ऑफ यहाँ पर जो है 46 के समथिंग गई है, SC ST वालों के हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जनरल OBC कितने गए हैं, ठीक है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह का यहाँ पर कट ऑफ है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जारी करते हैं।